मेरी बात को आप समझना। मुंबई में ना साहब कल्लू जी, हम भी यहाँ पे मुंबई में ना, मुंबई में हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठे ना, हम लोग भी यहाँ। नहीं नहीं देखो, आप मुंबई कर रहे हो, मुंबई में भी अपनी संस्था के कुछ बंदे ऐसे ऐसे पोस्ट पे हैं, और प्लस शिवसेना में भी हैं कुछ बंदे, राज ठाकरे की पार्टी में, सब जानने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने किसी के थ्रू अगर मंगाया, अरे मेरी बात सुनो पहले, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे उसने बोला सैटरडे को मेरे पास पैसा आएगा, अब जिससे उसको लेना था उस बंदे ने धोखा दे दिया या उस बंदे में पेमेंट नहीं की, तो उसके पास वो कहाँ से आएगा पैसा? तो वो आज वो बोल रहा है, मेरे को अभी कॉल किया, बोला सर मेरी एक मिनट पूरी बात, मेरी पूरी बात होने दो फिर बोलना। हेलो बोलिए ना, सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर ये पेमेंट नहीं हो रही है, इसको सेटलमेंट कराना है, अभी उसके पास पैसा नहीं है, अभी उसको 2 महीने का समय चाहिए। उसने मेरे को फोन किया, बोला सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा रुको, मैंने कहा रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग उसने भेजी तो ये बंदा जो आपका है ये उल्टा सीधा उसमें गाली गलौज कर रहा है, धर्म पे बात बोल रहा है। गाली नहीं दी है, हम तो देखो अरे अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो उत्तर प्रदेश में बाबा है, ठीक है, बाबा है, वो अराजक तत्व के लिए बहुत हानिकारक है, पता होगा आपको, और हम लोग भी उसी की पार्टी से, हम लोग भी बहुत हानिकारक, अरे सुन लो मेरी बात सुन लो, हम लोग भी बहुत हानिकारक है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा अरे मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम से नफरत करते हैं, हम मुस्लिम से भी प्यार करते हैं, लेकिन जो उसमें अराजक तत्व हैं, जो खराब बंदे हैं, उनसे हम नफरत करते हैं, उनके हम खिलाफ हैं। हम हर धर्म से प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, मेरी बात को आप समझना, हम सबसे प्यार करते हैं। लेकिन जो अराजक तत्व हैं, जो घटिया बातें करते हैं, जो घटिया चीज फैलाते हैं, उनके तो हम बाप हैं, कोई हो, मेरी बात को आप समझना। कल्लू जी, हम भी यहाँ पे मुंबई में ना, मुंबई में हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठे ना, हम लोग भी यहाँ। नहीं नहीं देखो, आप मुंबई कर रहे हो, मुंबई में भी अपनी संस्था के कुछ बंदे ऐसे ऐसे पोस्ट पे हैं, और प्लस शिवसेना में भी हैं कुछ बंदे, राज ठाकरे की पार्टी में, सब जानने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज ठाकरे शिवसेना में नहीं है, राज ठाकरे मंत्री में। अरे MNC जो है ना, MNC सुना है ना, राज ठाकरे का, क्या बताए, वही चीज बता रहा हूँ। MNC जो है राज ठाकरे का है, राज ठाकरे का काम हम लोग यहाँ करते हैं, जब उनको कुछ जरूरत पड़ती है उस पार्टी को, और वो हमारा काम क्या मुंबई में नहीं करेंगे क्या? आपकी बात हो गई, अभी मैं बोलूँ? हाँ बोलो, हो गई आपकी बात? हाँ जी हाँ जी, बोलो, कुछ बोलने तो आप बता दो। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो, आप बोलो आप बोलो आप बोलो। आपको वो बंदे ने फोन किया कि मेरे साथ में ऐसे फलाना फलाना बात हो रही है, बराबर है? हाँ। आपने एक न्याय देने के हिसाब से आपने फोन किया। हाँ। बराबर है? हाँ। कि उसको न्याय मिलना मांगते हैं। हाँ। अभी मेरे यहाँ से मेरी बंदी को मैं फोन करने चाहता हूँ आपको। हाँ। वो बंदी फोन करेगी और वो बंदी आपको बोलेगी कि उसको, आपको रिकॉर्डिंग भी भेजेगी कि वो लड़की को वो बंदी ने गाली दी है। हाँ। तो आप आपको क्या करोगे? अगर वो लड़की को कस्टमर ने पहले गाली दी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। नहीं, अगर नहीं, 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 सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। हाँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी जस्ट सिर्फ एक ही बार वो बंदे का, वो लड़की से वो आपका बात कल से चल रहे हैं, कल भी वो लड़की ने उसको बोला था कि आप पेमेंट कर दोगे ना, तो उसने बोला कि हाँ कर दे, रख अभी, ज्यादा दिमाग का भूसड़ा मत कर। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग आप मेरे को इसी को व्हाट्सएप, वो नंबर, वो रिकॉर्डिंग मेरे को व्हाट्सएप करो, आप व्हाट्सएप करो इसी नंबर पे, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। पहले आप करो तो मैं सुनूं तो पहले। और दूसरी चीज वो बोल रहे हैं ना आपको कि उसके पास में पैसा नहीं है, उसका चेक बाउंस हुआ तो सामने वाले पे जाके उसने केस क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, केस क्यों नहीं करेगा? 420 का चेक बाउंस का केस लगेगा, 128 का क्यों नहीं लगेगा? सुनो ना, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि मेरे को चेक किसने दिया था और चेक बाउंस हो गया। हाँ तो वो केस करेगा, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, केस कहाँ, जब आपको नहीं दे पा रहा तो केस कहाँ से करेगा वो? अब उससे रिक्वेस्ट करेगा वो?
अच्छा ऐसा है, मेरी बात सुनो सुनो, आप मेरी बात सुनो एक मिनट, मेरी बात सामने जिसने चेक किया, आप मेरे को इस पे वो सारी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप करवाओ, ठीक है, मैं उसको सुनता हूँ, दूसरा मैं उससे, अरे सुन तो लो पूरी बात, आप मेरे को भिजवाओ, और दूसरा ये है कि मैं उससे बात करता हूँ, और अभी इस केस को 2 महीने के लिए RTP डाल दो, ठीक है? नहीं नहीं 2 महीने के लिए नहीं होगा इसका, जो नहीं अभी पेमेंट नहीं है, अभी पेमेंट नहीं है, मेरे से बात हो गई है, नहीं हम लोग लीगल करेंगे, हाँ लीगल कर लो, लीगल आ जाओ, लीगल कोई दिक्कत नहीं है, कानून के थ्रू आ जाओ, नहीं नहीं लीगल आप कर दो, कानून के थ्रू आ जाओ, कोर्ट के थ्रू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी भर बोल देगा कि मेरे को जिंदगी भर पैसा नहीं भरने का, और लीगल वाले बोल नहीं 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 लीगल आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत लीगल में कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है ओके, लीगल में केस डालता हूं, बाकी और रिकॉर्डिंग भेजो मेरे को, रिकॉर्डिंग भिजवा दो मेरे को, रिकॉर्डिंग में भेजने की जरूरत है ना, लीगल में ही कर रहे तो ठीक है कॉल मत करना, लीगल आ जाओ, लीगल ठीक है ना, आपको लीगल भी होगा, अभी आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप उसका पैसा उसको भरने बोलोगे, अरे मैं पहले रिकॉर्डिंग सुनूंगा फिर मैं उससे बोलूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ पैसा भरने के लिए, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि पैसा नहीं भरना है, मैं तो कह रहा हूँ भरने के लिए, लेकिन अभी 2 महीना नहीं भर पाएगा, बाकी ये मेरे को पता है लीगल प्रोसीड करो आप, ठीक है, ओके, लीगल, ओके।